देवी, दोषी मैं हूँ, आप मुझे दीजिए शाप। हनुमान ने सत्य ही कहा था, क्रोध के अंधकार में डूबे मेरे नेत्र सत्य के सूर्य को देख नहीं पा रहे थे। अति विछोह से क्षुब्ध मेरा विवेक धर्म और अधर्म का भेद ही भुला बैठा था, इसीलिए शाप देने चली आई। मुझे क्षमा कर दे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कर्मों का फल तो सबको भोगना ही होता है। धन्यवाद हनुमान, तुमने समय रहते मुझे अधर्म करने से बचा लिया। भले ही मंदोदरी ने क्षमा कर दिया हो, लेकिन मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। रावण के वध का दंड ने भोगना ही होगा, अवश्य भोगना होगा। ये क्या से क्या हो गया स्वामी? कभी इंद्रदेव जैसे भयभीत रहते थे, जिन्होंने यमराज को विवश कर दिया, कैलाश को उठा लिया, जिनके नाम मात्र से बड़े बड़े योद्धा प्राणहीन हो जाते थे, आज वो ब्रह्मदेव के वंशज प्राणहीन है। कैसी भाग्य की क्रीड़ा है ये? सदैव स्वर्ण शैया पर शयन करने वाले, रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित होने वाले लंकेश आज धरा पर धूल दूसरे पड़े हुए हैं। मैं अभागा, अपने भ्राता को क्यों नहीं समझा पाया, क्यों उन्हें अधर्म के पथ से नहीं हटा पाया। महाबली, महातपस्वी, महाज्ञानी भ्राता को क्यों नहीं बचा पाया मैं? धिक्कार है मुझ पर भ्राता, मुझे क्षमा कर दी। आप दोनों ही नहीं, सारा संसार लंकेश रावण के शौर्य एवं विद्वत्ता से परिचित था। उनका शौर्य तो युगों तक जीवित रहता है। रावण जैसे पराक्रमी के लिए इस प्रकार शोक व्यक्त करके आप इनकी महानता को क्षीण कर रहे हैं। रावण जैसे शूर वीरों की मृत्यु पर विलाप करना पवित्र धर्म शास्त्रों के अनुसार भी वर्जित है। विभीषण जी, देवी मंदोदरी, आप दोनों के लिए यह दुख हृदय विदारक है, किंतु अब इस शोक से उबरकर इन महायोद्धा की अंतक्रिया के लिए क्या उचित व्यवस्था करना है उस पर विचार कीजिए। जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से भ्राता रावण शत्रु पर घात करते थे,
उतनी ही पवित्रता के साथ वो धार्मिक अनुष्ठानों एवं विधि विधान का अनुसरण भी करते थे। आता प्रभु, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान के साथ कर सको। शत्रुता मात्र तब तक रहती है जब तक शत्रु जीवित रहता है। एक महायोद्धा, महान रक्त सम्राट की अंत्येष्टि पूर्ण सम्मान एवं विधि विधान के साथ आपके द्वारा ही संपन्न की जाएगी। विभीषण जी, कल जो भी प्रथम मुहूर्त हो उसमें इनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था करें। देवी मंदोदरी, आपके दुख से हम भी द्रवित हैं, किंतु अब आपके स्वामी की इस लंका को पुनः गौरवशाली बनाने का दायित्व आपको ही निभाना है। धर्म का पालन करने वाली लंका बनाना है इसे आपको। मैंने विभीषण जी को राजा बनाने का वचन दिया है। इस युद्ध से पूर्व ही मैं आपका राज्य अभिषेक कर आपको लंका का राजा घोषित करूंगा, परंतु आपका पद एवं वर्चस्व पूर्व के समान ही होगा। आप राज कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं। ये राज मुझसे प्रथम महारानी मंदोदरी का ही रहेगा। राजकाज पर इनका पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा, किंतु अभी सर्वप्रथम भ्राता रावण की अंत्येष्टि की व्यवस्था करनी है। मुझे विश्वास है प्रभु, कल रावण की अंत्येष्टि के तत्काल पश्चात आप सर्वप्रथम माता सीता को बुलावे का संदेश भेजेंगे। माता त्रिजटा, लंका एवं देवी मंदोदरी के लिए जितनी कठिन आज की यह रात्रि है उतनी ही कठिन मेरे लिए भी है। कदाचित वनवास के 14 वर्षों में सबसे अधिक कठिन रात्रि एक ऐसी निशा जिसका एक एक पल प्रातः काल की प्रतीक्षा में एक एक वर्ष के समान लंबा हो गया है। प्रतीक्षा की अंतिम घड़ियां ऐसी ही लंबी होती है देवी सीता, ऐसे में धैर्य भी साथ छोड़ने लगता है, और आप ही नहीं प्रभु श्री राम की भी यही दशा हो रही होगी। सीता मेरी प्राण वल्लभ है, मैं जानता हूं ये तुम्हारी ही पवित्र आभा है। प्रभु, वहां माता भी इसी प्रकार आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होंगी। पूरी वानर सेना उस क्षण की प्रतीक्षा में है प्रभु, जिस क्षण आप दोनों का मिलन होगा। मुझे विश्वास है प्रभु, कल रावण के अंत्येष्टि के तत्काल पश्चात आप सर्वप्रथम माता सीता को बुलावे का संदेश भेजेंगे। आशा है वो मिलन की शुभ बेला शीघ्राति शीघ्र आएगी। हनुमान, दुर्भाग्यवश अभी वो समय नहीं आया है।
अपने जमाता के वध का प्रतिशोध लिए बिना शांत नहीं होगा ये दानव शिल्पी। मैं जागृत करूंगा मैं मेरे जमाता रावण के भ्राता शतानन को। महाशक्तिशाली 100 शीर्षधारी रावण को। राम और हनुमान सहित पूरी वानर सेना को समाप्त करने का जो कार्य इंद्रजीत मेघनाथ नहीं कर पाया, महाशक्तिशाली रावण नहीं कर पाया, मंदोदरी नहीं कर पाई, वो कार्य करेगा रावण से भी महान योद्धा अजय, महाशक्तिशाली शतानन रावण। अब क्या हो गया? अब माता के मिलन में कौन सी बाधा है? प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि माता सीता से मिलन का अभी समय नहीं आया है? प्रभु यदि अभी भी कोई बाधा है तो आप मुझे बताइए, मैं किसी भी मूल्य पर उस बाधा को दूर करने के लिए तत्पर हूं। हनुमान, मेरा एवं सीता का मिलन जिसकी प्रतीक्षा हम दोनों को ही नहीं सभी को है, वो मिलन अभी नहीं हो सकता क्योंकि ये सत्य है कि सीता के राम अपनी प्राण मल्लवा से मिलने को आतुर है। किंतु ये भी स्मरण रखो कि तुम भावी अयोध्या नरेश राजा बनोगे तुम, और एक राजा को अपनी निजी भावनाओं को नहीं अपनी मर्यादाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है हनुमान, पहले मुझे कुछ कर्तव्य पूर्ण करने हैं, जैसे वो वचन जो मैंने विभीषण जी को दिया था उसे निभाना है। कहीं प्रभु किसी दुविधा में तो नहीं है? प्रभु यदि ऐसा है तो मैं स्वयं जाकर विभीषण जी के राज्य अभिषेक की व्यवस्था आरंभ कर देता हूँ, जिससे कि कल रावण का दाह संस्कार होते ही अविलंब पूर्ण विधि विधान से विभीषण जी का राज्य अभिषेक संपन्न हो सके और हम माता सीता का स्वागत कर सके। प्रणाम प्रभु। दिवस अधूरे रैन अधूरी ऐसे विरह में है, कठिन सबूरी जग को दुविधा से तारने वाले, टूटे हृदय को सवारने वाले, आज विवश हुए सहने को दूरी ऐसे विरह में है, कठिन सबूरी। असमंजस में
उधर रघुराई, बाध्य इधर देखो जान की माई, नैना जो बरसे तो दरस को तरसे, दरस को तरसे जो नैना वो बरसे, तड़पत देखो मयूर मयूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबू। जग के स्वामी स्वामिन दोनों विवश है एक दूजे बिन देखो, मन जब व्याकुल हृदय भी आकुल, हृदय है आकुल तो मन भी व्याकुल, विकट प्रतीक्षा की तरस मजूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबू। चंदनस्य महत् पुण्यम् पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। महाराज विभीषण की जानि राम सिया मनो अवस्था, शीघ्रति शीघ्र कपि की व्यवस्था, विभीषण राज अभिषेक कराई, लंका के सिंहासन पे बिठाई। ये गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। महाराज विभीषण की महाराज विभीषण की। ये घड़ी अब इतनी लंबी क्यों होती जा रही है, और कितनी प्रतीक्षा कराएंगे मेरे स्वामी? Thank you.
आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं लंका में धर्म की ज्योति जगा सकूं, एक अच्छे राजा की भांति लंका की प्रजा की सेवा कर सकूं। महाराज विभीषण जी, आप भी स्वयं धर्म का पालन करने वाले राजा हैं, इसलिए मुझे विश्वास है आपके सुशासन में लंका की प्रजा अवश्य ही धर्म के पथ की ओर अग्रसर होगी। आपकी हितकारी नीतियों के बल पर लंका पुनः सुख एवं समृद्धि को प्राप्त होगी। मेरा आशीष सदैव आपके साथ है। आपकी अनुकंपा के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। अब तो समस्त कार्य संपन्न हो गए, अब विलंब क्यों कर रहे हैं प्रभु माता सीता को बुलाने में? व्यक्ति वही महान होते हैं जो निजी भावनाओं से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व देते हैं।